मोपअप राउंड का रिजल्ट तीन अक्टूबर शाम छह बजे आता है रिजल्ट आने के बाद बीसीसी का एक ऑफिशियल नोटिस भी आता है वो नोटिस में जो लिखा हुआ है वो बातें को आपने समझ नहीं पाया सबसे पहले जिनको कॉलेज मिल गया उनको भी परेशानी है और जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके मन में तो अब हजारों हजार सवाल दौड़ने लग गया लेकिन मेरे साथी मैं आपको यह बताना चाहता हूं मोपअप राउंड में परेशानी इसलिए बढ़ गया क्योंकि मोपअप राउंड में फिफ्टी परसेंट छात्र वैसे भाग लिए हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले एडमिशन लिए हुए हैं और मॉप मॉपअप राउंड में इसलिए शामिल हुआ ताकि उसका कॉलेज और ब्रांच चेंज हो सके लेकिन चेंज होने के बजाय आपको दूसरा कॉलेज अलाउट करने के बजाय आपका परेशानी और बढ़ गया सबसे पहले मैं आपको बीसीसी की ऑफिशियल जो नोटिस आया है उसकी भावना को समझो बीसीसी का ऑफिशियल नोटिस कहना क्या चाहता है और जिनको कॉलेज नहीं मिला अब उनको क्या करना है ये तमाम बातें आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे पहले मेरे साथी अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो सिद्धत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यही एक परिवार है जो आपके हर कदम पे आपके साथ रहेगा मेरे साथी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कॉलेज नहीं मिला एडमिशन की संपूर्ण जानकारी कट ऑफ कितना गया मॉपअप का और पांच गुप्तनीय सूचना जो बीसीसी खुलकर नहीं बोला आइएगा सर इससे पहले आप पहले हमारी इस बात को समझिएगा देखो यहां पे आप हमें एक बात को समझना होता क्या है ना कि अगर आप एडमिशन की पहले बात करूं तो देखो हुआ क्या है कुछ बच्चा पहले से एडमिशन लिया हुआ था पहले से एडमिशन लिया हुआ था चाहे फर्स्ट राउंड में चाहे फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में है ना लेकिन अब इसको क्या हुआ कि तीसरा राउंड में दूसरा कोई अदर कॉलेज मिला है तो सबसे पहले जो लोग पहला राउंड और दूसरा राउंड में एडमिशन लिए हुए थे थर्ड राउंड में कोई और कॉलेज आपको मिल गया तो आपको पता है क्या करना है जो पहला और दूसरा राउंड में जो आप एडमिशन लिए हुए थे उसका रसीद मिला होगा हां अगर आप जो पहला राउंड और दूसरा राउंड में आप एडमिशन लिए हुए थे ना उसका रसीद आपको मिला होगा कॉलेज में वही वाला रसीद आपको लेकर के चला जाना है राउंड के कॉलेज में जिस कॉलेज में आपको अलॉट किया गया है अभी बर्दाश्त करना सब बातें मैं समझ लिया हूं मैंने लगभग 500 बच्चों की भावना को समझा हूं इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं ठीक है अब आइएगा ये रसीद लेकर के जाइएगा तो आपको जहां पे अभी कॉलेज मिला है वहां पे एडमिशन हो जाएगा दूसरी बात अभी जहां कॉलेज मिला जहां एडमिशन होगा वहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा कोई भी पैसा नहीं देना है मैंने कहा जहां पे अभी कॉलेज आपको मिला है वहां पे कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आपका पैसा लेता है तो आप बीसीसी को कंप्लेन कर सकते हो बीसीसी ने खुलकर कहा है जो मॉपअप राउंड में जिसको पहले से कॉलेज मिला हुआ था अगर वो मॉपअप में जाता है तो मॉपअप में उसको पैसा नहीं लगेगा ठीक है सिर्फ आप वो वाला बिहार पॉलिटेक्निक का जो पहले से आपको कॉलेज का रसीद मिला हुआ था वो रसीद आपको न्यू कॉलेज में लेकर के चले जाना आपको कोई पैसा नहीं लगेगा दूसरी बात आइएगा अब दूसरा क्या हुआ ना कि बहुत सारा बच्चा को क्या हुआ ना कि पैसा तो नहीं लगेगा दूसरी बात अभी सर क्या हुआ था रजिस्ट्रेशन हो रहा था जो आठ अक्टूबर तक एडमिशन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है तो बहुत सारे बच्चा क्या हुआ ना कि जो फर्स्ट राउंड और रजिस्ट्रेशन तो लिया है तीसरा तो तो कॉलेज मिला है तो क्या वहां पे भी रजिस्ट्रेशन अलग से कराना पड़ेगा तो नहीं रजिस्ट्रेशन एक ही होता है वही रजिस्ट्रेशन पे आपका काम हो जाएगा न्यू कॉलेज में आप न्यू कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करिएगा जब आपको सर

पहले कॉलेज का रसीद लेकर के जाना है न्यू कॉलेज में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब आइएगा सर कहानी ये है कि बहुत सारा बच्चा का हुआ क्या कि जो पहले से कॉलेज था जो फर्स्ट एंड जो सेकेंड राउंड में, में मिल गया और वही ब्रांच मिल गया तो उनको कुछ नहीं करना है बस उनको इतना करना है कि जिस कॉलेज में आप पहले से थे वही कॉलेज आपको मिला है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर के मिल लीजिएगा

मॉपअप हमको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया था मॉपअप में हमको कोई और कॉलेज मिल गया है तो क्या हम पहले वाला कॉलेज में रहना चाहते हैं जो हमको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अलाउड किया गया था तो क्या हो सकता है ऐसा तो ऐसा एप होता नहीं है लेकिन आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करिए अगर होगा तो वो कर देगा लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है अब हम आ, अब आते हैं सर अगली दुनिया में सर अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो सबसे पहले बात एक और है जो बच्चा नया है अब न्यू बच्चा की मैं चर्चा करता हूं देखो जो न्यू बच्चा है एडमिशन लेने जा रहा है जिसको ना तो फर्स्ट में कॉलेज मिला था जो न्यू छात्र है जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज अलाउट हुआ है तो अब ये बच्चा क्या क्या ना कि अलेवेंथ में एडमिशन ले लिया था आपका एडमिशन अलेवेंथ में हो गया होगा अब आपके पास क्या है ना कि आपके पास आप एलेवंथ के कॉलेज को आप टीसी दे दिए होंगे मार्कशीट दे दिए होंगे तो अब आपका दिमाग में इस बात का टेंशन हो गया कि हम तो टी सी के कॉलेज में दे दिए थे तो मेरा एडमिशन कैसे होगा तो आप कॉलेज जाइए और अपना टी को निकलवाइए अगर क्योंकि सर आज चार तारीख है तो आज से एडमिशन होना स्टार्ट हो गया है पॉलिटेक्निक में तो अब इतना जल्दी आपको कॉलेज वाला टीसी देगा नहीं इतना जल्दी तो आपको कॉलेज वाला टीसी देगा नहीं अगर कॉलेज वाला टीसी नहीं देता है तो आपके पास अभी प्रेजेंट में अभी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट लेकर के आप कॉलेज जाइए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा सिर्फ पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरे थे पार्टे पार्ट भी रहेगा एडमिट कार्ड रहेगा पॉलिटेक्निक का तो आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा मैंने फिर से कहा रहा हूं कि जिन बच्चों जो एलेवंथ में एडमिशन के लिए अपना टीसी उसी दे दिया था वो टीसी नहीं निकल पाया तो जो कॉलेज आपको पॉलिटेक्निक का जो थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज जाइए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तब भी कॉलेज जाइए वहां पर आपको कॉलेज में लगभग पाँच सौ रुपया आपसे लेगा एक हापीड डिपिट बना देगा सर मैंने क्या कहा मैंने कहा एक हापीड डिपिट आइएगा सर मैंने कहा एक हापीड डिपिट बना देगा वो हापीट डिप्पिट में मेंशन कर देगा कि आप एक महीना के अंदर में कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ हा, एक महीना में जमा कर देंगे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा एडमिशन हो जाने 11th के बाद आप इलेवेंथ के कॉलेज से टीसी निकलवा लीजिएगा और पॉलिटेक्निक के कॉलेज में टीसी जमा कर दीजिएगा बात खत्म है तो मैं फिर से कह रहा हूं जिनके पास कोई भी कागजात नहीं है आप जो कॉलेज आपको पॉलिटेक्निक में थर्ड राउंड में मिला है आप कॉलेज जाइए आपका एडमिशन कहीं नहीं रुकेगा ठीक है आइएगा सर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाकी सर इनको पैसा तो लगेगा ही जो पैसा लगता है शायद अब तो आपको जो पैसा लगेगा वो रजिस्ट्रेशन इंक्लूड लगेगा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मेरी बात को सुनिएगा चार अक्टूबर से लेकर के छ अक्टूबर तक आपका एडमिशन होगा लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो इस बात से बन गया मेरे साथी कि आपको छे अक्टूबर को शायद संडे पड़ता है है ना संडे पड़ता है ना छ अक्टूबर सर छ अक्टूबर को शायद संडे पड़ता है कुछ बच्चा बोल रहा था आइएगा सर शायद संडे पड़ता है छः अक्टूबर को ठीक है अब आइएगा तो जो लोग छः अक्टूबर को कॉलेज जाएगा तो वो सबसे पहले एक बार कॉलेज से बात कर लीजिएगा है ना जो कॉलेज आपका अलाउट हुआ है वो कॉलेज का फेसबुक आईडी से वो या फिर उस कॉलेज का इंस्टा आईडी से या उ, उस उस कॉलेज का वेबसाइट गूगल पे वेबसाइट पे जाकर के नंबर दिया रहता है उस नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिएगा कि छः को कॉलेज खुला रहेगा अगर छः को कॉलेज खुला रहेगा तब जाइएगा ऐसे बीसीसी का आदेश है कि अगर छः तक एडमिशन का डेट दिया गया है तो छः तारीख को भी कॉलेज खुला रहना चाहिए अगर कॉलेज नहीं खोलता है तो ये कॉलेज का बनवासी है ठीक है आएगा तो ऐसे अगर हम आपको यही कहेंगे कि चार अक्टूबर या पांच अक्टूबर तक में एडमिशन करा लीजिएगा छह अक्टूबर को जाने से पहले एक बार कॉलेज बात कर लीजिएगा ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है अब हमारी अब बता देना चाहता हूं सर अब मेरी बात को सुनिएगा अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है आप सभी लोग गूगल से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है जिसका लिंक हम आपको टेलीग्राम आईडी पे भी दे देंगे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का एडमिशन में कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसका भी हम आपको बता देंगे टेलीग्राम आईडी पे लिंक शेयर कर देंगे वो वीडियो का सर जिसमें मैंने आप, आपको चार्ट बना करके समझाया था कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो वीडियो देख लेना उसको मैं यूट्यूब पर लिंक को शेयर कर दूंगा ठीक है अब आइएगा सर सबसे बड़ी बात सर जिनको कॉलेज नहीं मिला अब उनके पास क्या ऑप्शन है देखो मेरे साथी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एलेवेंथ नहीं है सर ये बी और बी नहीं है कि यहां पे स्पॉट एडमिशन होता है सर आपको पता है पॉलिटेक्निक में दो लाख छात्र फॉर्म भरता है जिसमें सर बीस से पच्चीस हजार छात्रों को सरकारी कॉलेज मिलता है बीस हजार छात्रों को सरकारी कॉलेज मिलता है हाँ सर तो यहां पे स्पॉट एडमिशन होने का कोई चांस बनता ही नहीं है और ना तो अभी तक पॉलिटेक्निक स्पॉट एडमिशन कभी करवाया है ना तो करवाएगा और उम्मीद नहीं विश्वास है कि स्पॉट एडमिशन नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसका कंपटीशन हाई है तो जिनको कॉलेज नहीं मिला उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि फिर से आप तैयारी आगाज कर दीजिए फरवरी में फॉर्म आएगा सर आपको अक्टूबर जाने वाला नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी फरवरी मार्च में फॉर्म आता है फॉर्म भरिए फिर अपनी तैयारी को आगाज कर दीजिए ठीक है तो तैयारी करने के लिए हमारी क्लासेस डेली चल रहा है यूट्यूब पे आठ बजे अप्लीकेशन पे सर एक से तीन बजे तो एसके ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए ठीक है सर हां तो सर ये स्पोर्ट एडमिशन नहीं होगा अब मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरी कहानी को सुन लीजिएगा सर ठीक है क्योंकि यही परिवार है मेरे साथी जो पूरे बिहार में रैंक दो देता है इस बार और पूरे बिहार में रैंक तीन देता है इस बार यू आर रैंक के अंदर कम से कम से से प्लस छात्र हैं जिनकी डाटा मेरे पास रखा हुआ है सर पूरे यूपी में रैंक तीन पूरे झारखंड में रैंक छह पूरे उत्तराखंड में रैंक चार इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरे साथ ही हमने दो हजार पच्चीस का बैच को लॉन्च कर दिया है जो बैच आपको डेली एक से लेकर के तीन बजे चलता है और ये विजेता जीरो पॉइंट वन में मैंने अभी से ही बारह सो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है ये विजेता जीरो पॉइंट वन बैच में मैंने अभी से ही बारह सो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है तो देर किस बात की अभी ज्वाइन करो सर और ये सारा का सारा चीज आपको मिलेगा जो आपको यहां पे लिखा हुआ है बैच अभी ऑफर प्राइस चल रहा है तीन सौ निन्यानवे रुपया डाउनलोड ऐप एसके साइंस क्लासेस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ठीक है इतना कर दोगे फिर कर दोगे तो दिक्कत किस बात की है मेरे साथी अपनी सपना को साकार करने के लिए सर हो जाओ ना तैयार क्योंकि सर हमारी कंपटीशन फिर जनवरी से फॉर्म मार्च में फॉर्म आता है पॉलिटेक्निक का दो तीन महीना में फिर फॉर्म आने वाला है दो महीने के दो बाद एग्जाम हो जाएगा तो आप अभी जो चीज की पढ़ाई प्र, कर रहे हैं ना उसको पढ़ाई करते हुए दो घंटा आपको डेली साइड से निकालना है और अपनी तैयारी को मजबूती से सर लड़ाई को लड़ना है यूट्यूब पे आठ बजे एप्लीकेशन पे एक से तीन बजे तक डेली क्लासेस चलता है देर नहीं अंधेर नहीं फटाफट जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो ढाई सना कोर्स को क्या कर लो खरीद लो ठीक है आइएगा जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं तो ये वाला ये वाला नंबर 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 और दोनों के डीपी में क्यूआर कोड होगा आप उसी क्यूआर कोड पर क्या कर दीजिएगा पेमेंट कर दीजिएगा तीन सौ निन्यानवे रुपया फोन पे गूगल पे, पे पेटीएम सब कुछ चलता है ठीक है तो सर आपको नंबर पे नहीं करना है नंबर के डीपी में क्यूआर कोड होगा स्कैनर या फिर ये नंबर और ये नंबर ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा कि क्यू आर कोड सेंड तो आपके आप इतना मैसेज करिएगा क्यू आर कोड सेंड तो आपको व्हाट्सएप क्यू आर कोड भेज दिया जाएगा उस पर पेमेंट कर देना बाकी सर मजे मजे में पढ़ते रहना सिलेक्शन को चार चांद लगाना जैसे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तीन सौ निन्यानवे रुपया किसी से भी पेमेंट करवा देना पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा और एसके साइंस क्लासेस ऐप जो डाउनलोड करिएगा उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड एसके साइंस क्लासेस ऐप का ये दो में से किसी भी नंबर पे भेज दीजिएगा 20 मिनट मिनट नहीं 10 के अंदर में कोर्स खुल जाएगा बाकी मजे मजे में पढ़ते रहना तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद मेरे साथी मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली वीडियो के साथ तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार हो तो सर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना लाइक भी कर दोगे ना थैंक यू